गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज का अपना संडे स्पेशल का जो करंट अफेयर है वो शुरू करने जा रहे हैं अपन। तो आज का अपना संडे स्पेशल करंट अफेयर अपन शुरू करते हैं दोस्तों। ये कुछ मोटिवेशन लाइन है आपके लिए। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। दोस्तों सिर्फ आपको सोचने से अपनी मंजिल नहीं मिलेगी, आपको उसको उसके लिए उसको मेहनत भी करनी होगी, तभी आ जाके आप सफल होंगे। और दोस्तों आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इन्हीं मोटिवेशनल लाइन के साथ दोस्तों आज का अपना सेशन ये शुरू करते हैं। दोस्तों आज का अपना पहला जो क्वेश्चन मान ले या टॉपिक मान ले तो दोस्तों ये है, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन CPA। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ ये हो गया दोस्तों हिंदी में, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन, और CPA इंग्लिश में हो गया दोस्तों कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। इसका दोस्तों लखनऊ में हाल ही में 7वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है दोस्तों? लखनऊ में किया गया है। और कौन से नंबर का दोस्तों? 7वें नंबर का दोस्तों यह सम्मेलन है। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने स्वागत भाषण से सम्मेलन का स्वागत किया शुरुआत की है सॉरी दोस्तों स्वागत ने शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश को पहली बार CPA इंडिया रीजन के सम्मेलन की मेज़बानी का अवसर मिला है। दोस्तों उत्तर प्रदेश इस बार पहली बार इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। CPA इंडिया जोन के अध्यक्ष दोस्तों ओम बिड़ला है, जो लोकसभा के अध्यक्ष है। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला ही CPA इंडिया जोन के अध्यक्ष है। और इस साल दोस्तों इसकी जो थीम थी वो थी जनप्रतिनिधियों की भूमिका। जनप्रतिनिधियों की भूमिका इसकी थीम थी या इसका विषय था। अगला है दोस्तों अपना, रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने अपना इस्तीफा दिया। रूस के जो दोस्तों प्रधानमंत्री है दिमित्री मेदवेदेव, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने अपने मंत्रिमंडल के साथ 15 जनवरी 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया दोस्तों? आइए देखते हैं इसका रीजन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा कई संवैधानिक सुधारों का घोषणा किए जाने के बाद रूस के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। व्लादिमीर पुतिन, ये पुतिन दोस्तों डबल टाइप हो गया। व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में संविधान में संशोधन के संकेत दिए थे, जिनके तहत सांसदों को प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल के सदस्यों को नामित करने का अधिकार होगा। राष्ट्रपति पुतिन का मौजूदा जो कार्यकाल है दोस्तों वो 2024 में पूरा होगा। राष्ट्रपति है जो पुतिन, उनका कार्यकाल 2024 में पूरा होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जब मेदवेदेव ने इस्तीफा दे दिया तो उनकी जगह देश का नया प्रधानमंत्री दोस्तों नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है दोस्तों? मिखाइल वी मिशुस्तिन को उन्होंने रूस का नया प्रधानमंत्री दोस्तों नियुक्त किया है। तो अब दोस्तों इस हिसाब से वहाँ का रूस का राष्ट्रपति हो गया व्लादिमीर पुतिन और रूस का प्रधानमंत्री हो गया मिखाइल वी मिशुस्तिन वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए। अगला है दोस्तों अपना विज्ञान फिल्म समारोह है। विज्ञान फिल्म समारोह है SCIFFI 2020 साइंस फिल्म समारोह। भारत के विज्ञान फिल्म समारोह 2020 के 5वें संस्करण की शुरुआत दोस्तों गोवा की राजधानी पणजी में हो गई है। कहाँ की गई है इसकी शुरुआत? गोवा की राजधानी पणजी में दोस्तों इसकी शुरुआत की गई है। फेस्टिवल का उद्देश्य क्या है दोस्तों? इस फेस्टिवल का उद्देश्य है प्रदर्शनियों, मास्टर क्लास, कार्यशालाओं और अन्य गतिविधियों की सहायता से युवाओं के बीच विज्ञान के ज्ञान को स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला है दोस्तों अपना स्वच्छा दर्पण पुरस्कार। स्वच्छा दर्पण पुरस्कार ओडिशा की पूरी शहर को दिया गया है। क्यों दिया गया है दोस्तों? ओडिशा के पूरी शहर को दोस्तों प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की पहल के लिए स्वच्छा दर्पण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। स्वच्छा दर्पण पुरस्कार 2019 ओडिशा के पूरी शहर को दिया गया। क्यों दिया गया है? प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की पहल के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है।
कार्यशाला का आयोजन पेयजल और स्वच्छता विभाग DDWS और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया था। अगला है दोस्तों अपना परशुराम कुंड मेला। परशुराम कुंड मेला दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में ये होता है। परशुराम कुंड एक हिंदू तीर्थ स्थल है जो लोहित नदी के निचले इलाकों में ब्रह्मपुत्र के पठार पर स्थित है। कौन सी नदी के पास है दोस्तों? लोहित नदी के किनारे ब्रह्मपुत्र के पठार पर स्थित है दोस्तों ये परशुराम कुंड। और ये कहाँ पे है कि ये मेला कहाँ लगता है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों इसका मेला लगता है। अगला है दोस्तों अपना मुप्पावरपू वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। मुप्पावरपू वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कृषि क्षेत्र में दिए गए उनके विशिष्ट योगदान के लिए मुप्पावरपू वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया दोस्तों? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दोस्तों हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक दोस्तों आपको याद रखना है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और इसके साथ ही दोस्तों सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर गुट्टा मुनि रत्नम को समाज में उनके असाधारण योगदान के लिए मुप्पावरपू नेशनल अवार्ड फॉर सोशल सर्विस से सम्मानित किया गया है डॉक्टर गुट्टा मुनि रत्नम को। अगला है दोस्तों अपना भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 145वां स्थापना दिवस। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दोस्तों अपना 145वां स्थापना दिवस मनाया है। कब मनाया है दोस्तों? ये 15 जनवरी को उन्होंने अपना 145वां स्थापना दिवस मनाया है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में दोस्तों कलकत्ता में इसके मुख्यालय के साथ की गई थी। इसकी स्थापना दोस्तों 1875 में कलकत्ता में इसके मुख्यालय के साथ की गई थी, लेकिन बाद में इसे 1905 में दोस्तों शिमला शिफ्ट कर दिया गया। फिर दोस्तों 1928 में इसको पुणे में शिफ्ट कर दिया गया। फिर दोस्तों 1944 में इसको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। 1944 में इसको दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। भारतीय मौसम विभाग IMD भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करता है। किसके तहत काम करता है? ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन दोस्तों ये काम करता है। यह किसका काम क्या है दोस्तों? यह मौसम संबंधी अनुमान, मौसम की भविष्यवाणी और भूकंपीय विज्ञान के लिए जिम्मेदार एक प्रमुख एजेंसी है। अगला है दोस्तों अपना मनमोहन महापात्रा का निधन। मनमोहन महापात्रा तो कौन है दोस्तों? ये वयोवृद्ध ओडिया फिल्मकार मनमोहन महापात्रा का निधन हो गया। उन्हें न्यू वेव ऑडियो सिनेमा के पिता के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है दोस्तों इनको? न्यू वेव ओडिया सिनेमा के पिता। और इन्होंने बेस्ट पिक्चर ओडिया फिल्म के लिए लगातार 8 राष्ट्रीय अवार्ड जीते थे। कितने अवार्ड जीते थे दोस्तों? 8 राष्ट्रीय अवार्ड उन्होंने लगातार जीते थे। अगला है दोस्तों अपना सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है। सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 2017 में की गई थी। इस दिवस को शुरू में आर्मी स्टिंग्स डे के रूप में मनाया जाता था। यह दिवस फील्ड मार्शल KM करियप्पा के उत्कृष्ट योगदान को चिन्हित करने के लिए उनके सेवानिवृत्ति के दिन मनाया जाता है, जो सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे। अगला है दोस्तों अपना राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव NYF 2020 का आयोजन किया गया। और यह कब मनाया गया दोस्तों? 12 से 16 जनवरी तक इसको मनाया गया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 23वां दोस्तों ये है और कहाँ मनाया गया? ये लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। यह त्यौहार स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। NYF 2020 का आयोजन उत्तर प्रदेश के युवा मामले और खेल मंत्रालय और राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों किया गया। और इसकी जो थीम थी दोस्तों, इसका जो विषय था वो है फिट यूथ फिट इंडिया। इसका थीम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आजकल दोस्तों एग्जाम में थीम काफ़ी पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखना आपको इसकी थीम थी फिट यूथ फिट इंडिया। अगला है दोस्तों अपना ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बांग्लादेश के ढाका में 18वां अंतर्राष्ट्रीय
ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू किया गया दोस्तों। कहाँ पे किया गया? बांग्लादेश के ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी है दोस्तों ढाका। और ये कौन से नंबर का है दोस्तों? ये 18वें नंबर का है। और इसका जो थीम है दोस्तों, विषय है, वो है बेटर फिल्म बेटर ऑडियंस एंड बेटर सोसाइटी। बेटर फिल्म बेटर ऑडियंस एंड बेटर सोसाइटी इसकी थीम है, इसका विषय है। ये थीम दोस्तों आपको खास तौर से ध्यान रखनी है, क्योंकि ये आजकल एग्जाम में थीम ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की थीम हो गई दोस्तों बेटर फिल्म बेटर ऑडियंस एंड बेटर सोसाइटी। अगला है दोस्तों अपना राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है दोस्तों? भारत सरकार ने 1984 में इसको घोषित किया था कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है। दोस्तों इस वीडियो की PDF पाने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड YouTube चैनल दोस्तों जॉब अलर्ट को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन का चिन्ह है दोस्तों इसको ज़रूर दबाइए, जिससे आपको जब भी इस पर वीडियो डले तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऑल द बेस्ट, थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द YouTube चैनल जॉब अलर्ट।